सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। साथियों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो SSB में विभिन्न पदों के लिए जो ये वैकेंसी निकली है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में है, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें जिससे इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल सके। दोस्तों हर बार मैं स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट वैकेंसी और उन वैकेंसियों से संबंधित जो भी ताजा अपडेट आते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचाता रहूं, इसलिए आप मेरे इस रोजगार समाचार इंडिया चैनल के लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए और लाइक भी कीजिए जिससे आपको जो भी वैकेंसी निकले उनकी पूरी जानकारी सबसे पहले मिल सके। साथियों आगे आपको बता रहा हूं कि जो ये वैकेंसी है इसका विभाग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में SSB सशस्त्र सीमा बल में ये वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी में जो पदों का विवरण है वो इस प्रकार से है, जो स्टाफ नर्स जिसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उसमें पदों की संख्या 23 है और जो ASI है उसमें पदों की संख्या 18 है और जो ASI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है उसमें पदों की संख्या 2 है और ASI डेंटल विभाग में पदों की संख्या 2 है और इसके साथ ही ASI रेडियोग्राफर में भी पदों की संख्या 8 है और स्टेनोग्राफर में पदों की संख्या 54 और जो SSB में हेड कांस्टेबल के जो पदों की संख्या निकली है उसमें पदों की संख्या 74 है। इस प्रकार इस वैकेंसी में आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए जो योग्यता है वो इस प्रकार से है, जो स्टाफ नर्स का पद है उसमें जो योग्यता है उसमें 10+2 साइंस के साथ पास और इसके साथ ही जो संबंधित ट्रेड स्टाफ नर्स में 3 वर्ष का नर्सिंग डिप्लोमा भी होना चाहिए और अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में हो, वही इस स्टाफ नर्स के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो ASI रेडियोग्राफर के पद हैं उसमें जो योग्यता है 10+2 पास साइंस के साथ है, इसके साथ ही 2 वर्ष का रेडियोग्राफर में डिप्लोमा होना चाहिए और उस कैंडिडेट की आयु 20 से 30 वर्ष के बीच में हो, वही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे जो ASI डेंटल विभाग में जो पोस्ट है उसमें 10+2 पास साइंस के साथ और 2 वर्ष का डिप्लोमा और जिसकी आयु 20 से 30 वर्ष के बीच में हो, वो ही अपना फॉर्म इस SSB विभाग की वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो ये ASI स्टेनो के पद हैं उसमें योग्यता 12 पास होना चाहिए और इसके साथ ही 80 शब्द पर मिनट और इसके साथ ही 50 मिनट में इंग्लिश और 65 मिनट में हिंदी की स्पीड टाइपिंग होगी और जो हेड कांस्टेबल है उसके लिए जो योग्यता है वो है 12 पास और इसके साथ ही जो टाइपिंग में 35 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से इंग्लिश की टाइपिंग और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए और उसकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में हो, ऐसा कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए जो फीस है वो 100 रुपए का चालान होगा जो ATM डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कटवा सकते हैं और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ssbrecruit.gov.in। इस साइट पे भी आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस वैकेंसी में जो फिजिकल होगा, जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए जो फिजिकल में जो रेस होगी जो 3.2 किलोमीटर की वो 14 मिनट में पूरी करनी होगी और जो महिला अभ्यर्थी है उनको 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो के लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इसके साथ ही फिजिकल मेडिकल और उसी के आधार पर कट ऑफ बनाई जाएगी, जिसमें सिलेक्शन होगा उसमें जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के पश्चात इस SSB की सशस्त्र सीमा बल में उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो 10 अगस्त 2018 से 10 सितंबर 2018 तक ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है और इसके साथ ही जो कैंडिडेट जिसमें आयु में ऊपरी सीमा में छूट दी गई है उस कैटेगरीज वाइज है वो इस प्रकार है,
ऊपरी आय सीमा में जो एससी और एसटी वर्ग के जो कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, और जो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट है उनको ऊपरी आय सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है, और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको ऊपरी आय सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार साथियों उनको ऊपरी आय सीमा में छूट दी गई है। दोस्तों इसी प्रकार आप इस वैकेंसी से संबंधित आप महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसी प्रकार मैं आपके लिए जो भी गवर्नमेंट विभाग में वैकेंसी निकले उनकी पूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहूं। इसलिए आप मेरे इस रोजगार समाचार इंडिया चैनल के लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे आपको जो भी वैकेंसी निकले उनकी पूरी जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।